नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। बता दें कि आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस लगातार छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ गई है जो काफी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल आपको बता दें कि जहाँ एक ओर हर कोई आकांक्षा दुबे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, हर कोई इस मामले में समर सिंह पर सवाल उठा रहा है, तो वहाँ दूसरी ओर कोई ऐसा भी है जो इस पूरे मामले में समर सिंह नहीं बल्कि सोमेंद्र होटल के स्टाफ पर ही सवाल उठा रहा है। और जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद आकांक्षा दुबे के साथ होटल के उस रूम में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आकांक्षा दुबे ने ये कदम उठा लिया। जी हाँ, आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे के केस को लेकर अब यहाँ पर फेमस एक्ट्रेस और आकांक्षा की सलाहकार काजल राघवानी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा है, जहां उन्होंने न्याय की मांग की तो वहीं उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ बताया। दरअसल आपको बता दें, काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर आकांक्षा की एक फोटो शेयर की और हिंदी में लिखा, आज आपका डर सही साबित हुआ, आपने अपने डर को बहादुरी पर जीत दिलाई। दूसरे शूट पर जाने से पहले आपने अपनी फीलिंग्स सबके साथ शेयर की और जिस बात का तुम्हें डर था, जो बात तुम्हें सता रही थी कि वो नहीं होगी, लेकिन आखिरकार वही हो गया। आगे एक्ट्रेस लिखती है, अब तुम जहां भी हो शेरनी बनकर रहो और अपने सारे सपनों को पूरा करो। मैं उम्मीद करती हूं कि आप जहां हो आपको वहां पर खुशी मिलेगी। और ऐसे में अब काजल राघवानी के इस बयान के बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीधे सीधे इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। काजल राघवानी का ये बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शायद एक्ट्रेस जानती थी कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है और आने वाले वक्त में वो इस तरह का कुछ करने वाली है, इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर काजल राघवानी को ये पता था कि आकांक्षा कोई ऐसा कदम उठाने वाली है, तो फिर आखिरकार उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, पहले किसी से कुछ कहा क्यों नहीं, और अब आखिरकार ये सब वो क्यों बता रही है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।